हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसएससी जेई के एग्जाम से रिलेटेड। अभी कल ही के डेट में जेएसएससी जेई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस जारी कर दिया है कि एग्जाम जो है वो 23 अक्टूबर से लेकर 7/11/2022 तक होगा। मतलब 23 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में जो भी डेट्स है उसी के बीच में एग्जाम होगा। एग्जाम सीबीटी मोड में होगा, ठीक है। और इस एग्जाम में जो तैयारी किया होगा शुरू से उसको तो सिलेक्शन उसका पक्का है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम डेट का, जो भी एक्सटेंशन से रिलेटेड बात है उससे भी हम डिस्कशन करेंगे। कौन सा पोर्शन कब खत्म करना है, किस सोर्स से करना है, ये चीज फिर से हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। देखिए, पहले तो आप अपना गोल डिसाइड कीजिए, मकसद क्या है आपका, ठीक है। आप इस नोटिस को देखने के बाद पहला आपके मन में क्या थिंकिंग आता है, सबसे पहले इस पे विचार करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपके मन में ये आता है कि अभी ये जो एग्जाम डेट निकला है उस डेट में एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, और हमको अभी जाके अभी इस पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए, तैयारी करना ही नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम डेट तो एक्सटेंड होना है। हम जब एग्जाम डेट एक्सटेंड होना है और जो एक्सटेंशन वाला डेट जब तक हमको मिल नहीं जाता तब तक हम नहीं करेंगे। कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक हम तैयारी करना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपका ऐसा थिंकिंग है तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं, आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं अगर आपका इस तरह का थिंकिंग है, ठीक है। देखिए, अगर जो जनवरी में ये फॉर्म निकला था, जनवरी दिसंबर के आसपास में ये फॉर्म निकला था, आज ये 9 महीना होने वाला है, ठीक है, जो शुरू से तैयारी किया होगा आज के डेट में उसका तैयारी परिपूर्ण हो गया होगा, कंप्लीट उसका प्रिपरेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और वो एग्जाम में अभी डेफिनेटली लिख दे रहे हैं कि हम वो एग्जाम में उसका सिलेक्शन तय है, ठीक है, चाहे एग्जाम में अभी जो डेट निकाला है अक्टूबर या फिर नवंबर या फिर दिसंबर, जो भी हो, ठीक है, अगर हो सकता है एक महीना एक्सटेंड हो जाए, जब भी हो उसका एग्जाम में निकलना, उसका सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। तो देखिए, बात हम यही बोल रहे हैं शुरू से ही, जब भी हम वीडियो बनाते हैं मेरा एक ही मकसद है कि तैयारी कंटिन्यू रखिए। कभी भी मतलब देखिए, अगर आप तो तैयारी कर रहे हैं, आप किस फेज में है, तैयारी के फेज में है, चाहे एग्जाम डेट अक्टूबर में हो तो भी आपको तैयारी ही करना है, नवंबर में है तो भी आपको तैयारी करना है। सिस्टम के खिलाफ आप हमेशा नहीं जा सकते हैं, बहुत सारा चीजें होती है, ठीक है। अभी फॉर्म निकलता है, केस हो जाता है, चाहे जैसे भी तरीका से हो रहा है, उस चीज पे हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। आपको अल्टीमेटली करना क्या है, पढ़ाई करना है, ठीक है। देखिए, जो लगा होगा उसका सिलेक्शन तय है, और जो बीच में हो सकता है, जो अभी पिछला एग्जाम जो पेपर लुक हुआ था उस समय तक लगे थे और बीच में अभी छोड़ दिए हैं, आप भी अपने जोरों शोरों से फिर से लग जाइए। अगर आपका सपना है कि हम अपने झारखंड में नौकरी करें, हम अपने झारखंड में अपने स्टेट में रह के अपने स्टेट को योगदान दे, जूनियर इंजीनियर के पद पे काम करें, तो आपको इस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहिए, अगर आपका ऐसा मानना है। अगर आपका मानना है कि सिर्फ और सिर्फ हमको एग्जाम दे, कोई एग्जाम निकल जाए तो भी आपको तैयारी ही करना है, ठीक है, ठीक है। आप जिस फेज में है वो उस फेज में आप तैयारी ही कर सकते हैं। तैयारी करने का देखिए, अगर आप जेएसएससी जेई का फॉर्म भरे होंगे तो एसएससी जेई का भी भरे ही होंगे शुरू से। अगर आप जनवरी से अगर जेएसएससी जेई को भी लेके अगर टारगेट लेके अगर आप तैयारी किए होंगे तो आपका एसएससी जेई में भी सिलेक्शन तय हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हम बात यही आपको बताना चाह रहे हैं कि एग्जाम डेट के एक्सटेंशन पे लेके आप उतना ज्यादा फोकस मत करिए, सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए तो आप पढ़ाई पे, ठीक है। 3 महीना 4 महीना जितना भी लेट हो रहा है, अभी जितना भी बीच में इतना सारा लेट हुआ, फिर से अभी लेके 9 महीना हो गया, फिर भी तो एग्जाम तो हुआ ना। अभी एक बार एग्जाम हुआ था, पेपर लीक हो गया था, उस समय आप बैठे थे, उस समय कैसे आप स्कोर किए थे, ठीक है, वो सारा चीज आप रिकॉल कीजिए और तब जाके तैयारी के लिए बैठिए, ठीक है। आज के डेट में अगर आप बोलते हैं जो भी लड़का, आज हम आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं कि आपका तैयारी 100% हो गया है कि नहीं हो गया है, आप प्रैक्टिस मोड में है कि नहीं है, सब कोई कमेंट करके जरूर बताएगा कि मेरा तैयारी 100% हो गया है, हम प्रैक्टिस मोड में, अब हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो बस बात यही समझना है कि आपको उस तरह का तैयारी कर लेना है कि आज के डेट, अगर आज एग्जाम डेट निकल होता है, अगर कल के डेट में एग्जाम होता है तो आपका तैयारी परिपूर्ण होना चाहिए। तैयारी इस तरह से होना चाहिए कि आपका निकल जाए, उतना तक करके आप छोड़ दीजिए ना, फिर जब एग्जाम डेट आता है तो प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप चाहते हैं एग्जाम डेट के लिए इतना चिंतित हैं, ठीक है, तो आप क्या करिए कि तैयारी को एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाके छोड़ दीजिए, फिर जब एग्जाम डेट आता है तब प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप सिर्फ एक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो आप ऐसा तो नहीं होगा कोई भी लड़का एक एग्जाम के लिए तैयारी करेगा, एसएससी जेई के लिए भी कर ही रहे होंगे, एसएससी जेई का भी फॉर्म भर ही होंगे आप, तो ठीक है। तो वो भी आपका एग्जाम नवंबर में होने वाला है, तो उसमें आपको बहुत ही फायदा कर जाएगा इससे। देखिए, हर एग्जाम का क्या सिलेबस क्या है, टेक्निकल होता ही होता है,
जैसे जेएसएससी जेई में बात करें तो इसमें भी एक पोर्शन पूरा का पूरा एक पोर्शन 120 जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा टेक्निकल है। एसएससी जेई से अगर हम कंपेयर करें तो उसमें भी आपका 100 टेक्निकल है 100 नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल का भी अगर आप 40 नंबर का जेएसएससी जेई में तैयारी किए होंगे तो आपका उधर भी 50 नंबर में फायदा कर जाएगा एसएससी जेई में। सिर्फ और सिर्फ एसएससी जेई में आपको रीजनिंग पढ़ना होगा अगर आप भरे होंगे तो। सिर्फ आपका झारखंड के फोकस कर रहे होंगे तब तो कोई बात नहीं है, तब तो आपको इस लेवल तैयारी उस लेवल में कर लेना है कि उसके बाद आपको बोलना ही नहीं पड़े कि हाँ हमको अब तैयारी करना, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आपका सारा सिलेबस खत्म हो गया या आप अपने से बताइए, आपका जो भी सिलेबस है चाहे जनरल इंजीनियरिंग हो चाहे सिविल हो चाहे नॉन टेक्निकल आपका जीके जीएस हो, वो सारा खत्म हो गया कि नहीं हो गया उस पर भी आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अभी आपके पास एक महीना का समय बचा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अगर जो तैयारी कर लिए होंगे शुरू से प्रैक्टिस करिए, और जो नहीं किए होंगे फिर से एक बार लग जाइए। आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा एक महीना के अंदर में, जो बीच में दो महीने के लिए छोड़ दिए थे उनको भी एकदम बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा इस एग्जाम में। ठीक है, अगर अपना आप फोकस सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम को दे दिए तो ठीक है आपका सारा का सारा एग्जाम निकलेगा। ठीक है, तो मेरा देखिए कहना यही कि बस लगे रही है, क्योंकि एट लास्ट होता क्या है कि जब आप एग्जाम वाल जब एग्जाम हो जाता है, सपोज दैट इसी डेट में एग्जाम हो जाता है, बहुत आपको अफसोस होगा। ठीक है, तो अब एग्जाम डेट जैसे जैसे आप मान लीजिए नजदीक आ गया, हो सकता है नहीं बढ़े एग्जाम डेट उतना ही डेट में हो जाए, उससे हो सकता है उससे पहले ही फैसला आ जाए, हो सकता है फैसला हार भी जाए तो कितना क्या होगा, ज्यादा ज्यादा और एक महीना एक्सटेंड होगा। तैयारी तो आप अपना परिपूर्ण करिएगा ना जी। ठीक है, तो मेरा बस यही कहना है कि ये बस आप अगर एग्जाम इस एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, अब अगर आप ठान लिए कि इस एग्जाम में हमको अपना एक सीट पक्का करना है तो बस आप लग जाइए, रात दिन एक करके लग जाइए, आप तैयारी को एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा दीजिए, उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, बस इतना ही कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सोर्स का। तो सोर्स में सिविल इंजीनियरिंग का बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में आपको दो तीन बुक फॉलो कर सकते हैं, आप गुप्ता एंड गुप्ता का बुक फॉलो कर सकते हैं, आरएस खुरमी का बुक फॉलो कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, और एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर कर सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन भी कर सकते हैं। देखिए कोई एक ही बुक करिएगा, एक आरएस खुरमी करिएगा तो या गुप्ता एंड गुप्ता में से दोनों में से कोई एक करिएगा, एक आप यूथ पब्लिकेशन करिएगा या फिर एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर करिएगा, सब बुक लेके मत बैठ जाइएगा। हाँ, अगर आप दो बुक को दो बार कंप्लीट कर, एक बुक को दो बार कंप्लीट करना मस्ट है, तीन बार कर लेता तो और ज्यादा फायदा होगा, चार बार कर लेते हैं तो और ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, एक्यूरेसी आता है वहां पे, आपका आया हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करता, अगर आप जितना प्रैक्टिस करके जाते हैं ना तो एग्जाम में आपका उतना ज्यादा एक्यूरेसी आता है, क्वेश्चन गलत होने का आया हुआ आते हैं ना एग्जाम से, तो आप बोलते हैं ना कि ये वाला क्वेश्चन तो आ रहा था तो फिर भी गलत हो गया, क्यों होता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से होता है। अच्छा, और पढ़े रहते तो हम 10 क्वेश्चन और बना लेते, ये सब क्वेश्चन ये सब सुनने के लिए मिलता है, ये सब प्रैक्टिस लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से होता है। बस मेरा कहना यही है कि बस आप एग्जाम को लेकर, ये तो आपको हम सिविल का बता ही दिए। ठीक है, और जनरल इंजीनियरिंग के लिए आप लूसेंट का बुक प्रीफर कर सकते हैं, लूसेंट का। ठीक है, और भी बहुत सारे पीडीएफ आजकल तो अवेलेबल हो गए हैं अपने चैनल पे, हम भी प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं 17-18 प्रैक्टिस सेट। हम ये नहीं करेंगे डायरेक्ट वहीं से वहीं क्वेश्चन सेम टू क्वेश्चन एग्जाम में छप जाएगा, लेकिन उसके कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। जो हम जनरल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस सेट कराया है, एक बूस्टर डोज भी कराया है, एक शॉर्ट नोट्स का रिवीजन भी कराया है, वो सब देख लीजिए ना, उसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, उसमें से क्वेश्चन काफी आएगा। ठीक है, और जीके वगैरह का तो बता ही दिया, लूसेंट थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स वीडियो वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स का कुछ कुछ टॉपिक अपने चैनल पर भी हम करा के रखे हुए हैं। हाँ, फिजिक्स का वन लाइनर एनसीईआरटी का वो और आप लोग जरूर देख लीजिएगा, वो आपको जनरल इंजीनियरिंग में भी फायदा करेगा। फिजिक्स का जो हम बनाए हैं वन लाइनर 7-8 पर 10 पार्ट होगा, और केमिस्ट्री का कंप्यूटर का ये सब आप जरूर देख लीजिएगा, कम टाइम में आप ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं, ये आपको एसएससी जे में भी फायदा करेगा। तो बस इतना ही करते रहेंगे, और हाँ, मेरा काम है आपको अच्छी सलाह देना और अच्छा चीज करना, तो डेफिनेटली उस एग्जाम को लेकर आप जरूर जरूर प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, आपका जरूर से जरूर अच्छा होगा और आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।